तो यारो दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, छाछ और पनीर, इन सब की मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार देश के करीब 80 करोड़ से ज्यादा किसान डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसी डेयरी व्यवसाय में भैंस पालन की भी बड़ी भूमिका है। भारत के कुल दूध उत्पादन में 55% यानी 20 मिलियन टन दूध तो बस भैंस पालन से ही आता है। हमारे देश में भैंसों की कई नस्लें पाई जाती है और इसमें से पंढरपुरी भैंसें काफी मशहूर है। अब वैसे तो ये असल देश के कई हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका पालन सबसे अधिक किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराष्ट्र के पंढरपुर, पश्चिम सोलापुर, पूर्व सोलापुर, बारसी, अक्कलकोट, सांगोला, मंगलवेड़ा, मिराज, करवी, सिरोल और रत्नागिरी जैसे कई जगहों पर इस नस्ल की भैंसों के लिए जाने जाते हैं। भैंसों की इस नस्ल को धारबाड़ी भी कहते हैं। इन भैंसों का नाम पंढरपुर गांव से पड़ा है, जो कि महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आता है। अगर भैंसों की नस्ल अच्छी होती है तो दूध उत्पादन भी ज्यादा होता है और आम सी बात है कि कमाई भी इससे ज्यादा ही होगी। तो चलिए आइए इस भैंस की नस्ल के बारे में विस्तार से जानते हैं कि पंढरपुरी भैंसे की क्या क्या विशेषताएं हैं। पंढरपुरी भैंसों की खासियत, इनके सींग किसी तलवार की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इनके सींग सर के ऊपर की ओर आते हैं और फिर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। इस भैंस का वजन करीबन 450 से 470 किलो के बीच होता है। पंढरपुरी भैंसे हल्के काले रंग या फिर भूरे रंग के होते हैं। कई पंढरपुरी भैंसों में सफेद धब्बे भी मिलते हैं। इसके बाल चमकीले और मीडियम साइज के होते हैं। इस भैंस का सर लंबा और पतला होता है, जबकि नाक की हड्डी थोड़ी मोटी होती है। ये भैंसे शरीर से काफी कठोर और मजबूत होते हैं। पंढरपुरी भैंसों की प्रतिदिन दूध देने की क्षमता की औसतन 6 से 7 लीटर ही होती है। सही रखरखाव मिलने पर ये भैंसे प्रतिदिन 15 लीटर दूध तक दे सकती है। पंढरपुरी भैंसों की प्रजनन क्षमता, पंढरपुरी भैंसों की प्रजनन क्षमता काफी अच्छी होती है। हर 12 से 13 महीनों के बीच एक बछड़ा या बछड़ियों को जन्म देती है। प्रजनन के बाद ये 305 दिन तक दूध देते रह सकती है। पंढरपुरी भैंसों का दूध लाभकारी, पंढरपुरी भैंसों की एक और खासियत ये भी है कि इनके दूध में लगभग 8% वसा की मात्रा पाई जाती है। एक तय मात्रा में वसा शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है, इसलिए पंढरपुरी भैंसों के दूध के विक्रेता अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। किस तरह के वातावरण में रह सकती है पंढरपुरी भैंसे? पंढरपुरी भैंसे 9 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और 43 से 87% की नमी के क्षेत्र में पाली जा सकती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में भी पंढरपुरी भैंसों को पाला जा सकता है। पंढरपुरी भैंसे कई प्रतियोगिताओं में भी लेती हैं भाग। महाराष्ट्र में कई पशुपालक पंढरपुरी भैंसों को सिर्फ इसलिए भी पालते हैं ताकि वो कई प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें, जैसे कि रेसिंग और बुल फाइटिंग। इन सभी चीजों में भाग लेना लोगों को काफी पसंद है। पंढरपुरी भैंसों के रखरखाव में नहीं आता ज्यादा खर्चा। गांव में कई किसान 4 से 5 पंढरपुरी भैंसों को आराम से पाल लेते हैं। ये भैंसे स्वभाव से शांत होती है। इनके रखरखाव में मजदूरों पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पंढरपुरी भैंसों को ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में पाला जाता है जहां गन्ना, ज्वार और धान आसानी से उपलब्ध हो सके। इन्हें गेहूं का भूसा, धान का भूसा, गन्ने के अवशेष और ज्वार आहार के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी एवं पशुधन बेचने में इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीदार आपको संपर्क करे और आपको अपने वस्तु की अधिकतम मूल्य मिल पाए, तो अपने बिकाऊ वस्तु की फोटो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। दोस्तों, यदि आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।